फिर एक बार बीजेपी हुई चूर चूर। बीजेपी के और एक नेता कांग्रेस में हुए शामिल। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश में आया राम गया राम का दौर चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के नेता दल बदली कर रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों की संख्या बहुत कम है और कांग्रेस में बीजेपी से आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता राजेश पटेल ने आज कांग्रेस का दमन थाम लिया है। पटेल गाड़ियों के काफिला के साथ बुधनी विधानसभा से निकलकर भोपाल पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। दबा है कि उन्होंने अपने 1000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। इनमें बालाघाट के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोध सिंह भगत भी शामिल है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं वाले की कतार लगी हुई है। बीजेपी के पूर्व और 4 पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसदों के साथ 50 के करीब छोटे बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि इसमें कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लोगों के काम नहीं करने और हल्की बातें करने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि यह सब लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं। प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार या तो शिकार है या गवाह है। कांग्रेस नेता का दावा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कुछ और बड़े नेता कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और कांग्रेस देश में बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।